माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरु गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के 1 जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और 1 अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में
निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।